दोस्तों, यहाँ शाहरुख की अगली फिल्म मैंने क्या जवान के लिए अब करना पड़ सकता है थोड़ा और लंबा इंतजार। दोस्तों, 2023 में शाहरुख की 3 फिल्में जो कि पक्की है और जैसे कि इसके साथ ही शाहरुख के कुछ कैमियोज भी। लेकिन यह पठान के बाद आने वाली शाहरुख की नेक्स्ट फिल्म जो कि जवान थी, जो कि आ रही थी 2 जून को। लेकिन यह देखा जाए तो यह पठान तो अभी भी थिएटर्स में चली रही है और वहीं दूसरी तरफ फिल्म में जवान की शूटिंग जो कि अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुई है और उसमें जवान की रिलीज को कुछ ही महीने बचे हुए और यहाँ इसके 2 महीने पहले तो फिल्म का प्रमोशन ही स्टार्ट किया जाना है। यानी क्या लगभग अप्रैल तक इस फिल्म का कम्प्लीट होना और उसके साथ ही फिल्म का प्रमोशन भी स्टार्ट होना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। और जिसके अभी इसी बीच यहाँ पर तो ये भी जानने को मिल ही रहा है कि फिल्म जवान में काफ़ी भारी VFX है जिसका काम काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। जैसे लेटेस्ट रिपोर्ट्स के जरिए जानने को मिल रहा है कि फिल्म जवान जो कि पोस्टपोन्ड हो सकती है और फिल्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जैसे कि फिल्म को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छा खासा आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे फिल्म जवान जो कि शाहरुख की काफ़ी बड़ी फिल्म है और पठान की सक्सेस के बाद तो यहाँ पर जवान के मेकर्स की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है शाहरुख की इस फिल्म को और भी शानदार बनाने की। और ऐसे में इस बीच कोई भी जल्दबाजी तो की जाएगी नहीं और यहाँ पर शाहरुख भी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि यह फिल्म पठान के बाद उन्हें जिस तरीके की रफ्तार मिली है वो उसका पूरा लाभ उठाना चाहेंगे। और यहाँ इसी के साथ जवान को एकदम परफेक्ट बनाया जाएगा भले ही यहाँ थोड़ी सी देरी हो। यानी कि उसके लिए लगभग पक्का हो ही जाता है कि यह जवान के लिए अब और भी ज़्यादा वेट करना होगा। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।